हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं होममेड उपमा। तो आइए देखते हैं उपमा बनाने के क्या क्या उपकरण लगते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमने इसमें ऑनियन लिया हुआ है जो बारीक कटे हुए, कुछ कैप्सिकम लिए हुए हैं बारीक कटे हुए, ग्रीन चीनी लिए हुए हैं, इसके साथ हमने कुछ करी लीव्स लिए हुए हैं और कैरेट लिए हुए हैं, और इसमें हमने कुछ पोटैटो लिए हुए हैं। ये आपके उपमा के टेस्ट को और स्वाद अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। उपमा बनाने का मेन उपकरण होता है सूजी, जिसके हम लोग रवा भी बोलते हैं। इसके साथ हमने लिया है मूंग की दाल और इसमें काला सरसों लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम इसमें बताना चाहेंगे, जो रवा को हमने थोड़ा सा हल्के इसके लिए हमने फ्राई पैन में इसमें ऑयल डाला हुआ है और इसको थोड़ा सा पूरे फ्राई पैन पे इसको स्प्रेड कर दिया ब्रश के थ्रू। इसके लिए हमने रवा को धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा भून लिए। इसके लिए हमने फ्राई पैन पे काला जीरा जो हमने लिया हुआ था, काला सरसों, उसको हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले ऑनियन को डाल दिया है फ्राई करने के लिए, उसके बाद ग्रीन चिली और कैप्सिकम हमने डाल दिया है। इसके लिए हमने अभी कैरेट को भी मिला दिया फ्राई करने के लिए। इस पे हमने सभी ग्रीन वेजिटेबल को टेबल को डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे। तुम बोल रहे थे इधर। अभी हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। अभी देखिए, इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए सब्जियां। अब इसमें कवर कर देंगे। अभी देखिए, सब्जियां गर्म पानी के साथ अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। अभी हम इसमें रवा मिक्स करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और ऐसे ही मिलाकर हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, मतलब ढक देंगे। अब देखिए, ये हमारा उपमा बनके रेडी हो गया। अब इसको सर्व करेंगे, सर्व करके खाएंगे। अब ये उपमा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हमने सर्व कर लिया है 2 अलग अलग प्लेटों पे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन।